हेलो हेलो एवरीवन मेरा नाम है साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन ये नाम बड़ा खूबसूरत है और आपका चैनल है अपना जिंदगी इसको देखना और सब्सक्राइब करना शुरू कर दें इसमें हम बड़े एक्साइटिंग चीज़ें डालने वाले हैं आज मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के दो सुपर स्टार्स जिनके पास ना टाइम है एक कान फिल्म फेस्टिवल गया हुआ था दूसरा आपको पता है अभी वो हर्ड की जो आपको बोलिए जॉनी डेप का और वो झगड़ा चल रहा है हर्ड का उसमें वो गए हुए थे उसको वो देखते हैं जॉनी डेब्सन की बहुत महब्बत है सुपर स्टार्स हैं आई एम वेरी प्राउड सीरियसली पाकिस्तान के दो इंतहाई टैलेंटेड लोग जिनको मैं समझता हूँ कभी मेरी बात आप माने ना माने मेरी बात तो मेरी बीवी नहीं मानती आप क्या मानेंगे लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों सुपर स्टार अपने इंतहाई कीमती वक्त से लेके आए थोड़ा सा टाइम निकाल लें और आज मैं चाहता हूँ कि इनसे ऐसी गुफ्तु हो कि जो मुझे कम अज़ कम याद रहे आपको रहे ना रहे जी आपसे मुलाकात करवानी है इंतहाई टैलेंटेड इंतहाई खूबसूरत लाइबा खान अस्सलाम वालेकुम द सुपर डुपर स्टार जो अभी मेरे साथ एक ड्रामा कर रहा है मुझे हर सीन में लिटा के लोग कहते हैं साजिद भाई आप नजर नहीं आ रहे उसके साथ तो, तो आइए आपको मुलाकात अपने राइवल अपने बहुत ही ज्यादा दुश्मन उसामा सारे। उसामा अस्सलाम वालेकुम हाँ आप दोनों ने एक को फोन किया था

कसम से मैं बताती कोई कोई शौक शौक नहीं नहीं था था एक्टिंग का इवन जब स्टार्ट कर दी तब भी कोई शौक नहीं था। आ, कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें करनी चाहिए एक्टिंग अच्छा मैं बताती हूं। मैं जो छोटी बहन है वो मुझसे एक्टर सीनियर है और वो मुझसे पहले से काम करी तो मैं शूट्स पर जाती थी तो आपकी वालदा काम करती थी नहीं आपके खानदान में कोई नहीं है अम्मा ने कहा होगा कि शादी के बाद तबाह हो गया मेरा करियर मैं <laughs> चाहती तो तुम कुछ करो मुझे <laughs> हाँ. <laughs> या कैसे <laughs> <बारे में? laughs> मैंने जिस एक्टर की माँ के बारे में सुना वो यही सुना माँ के वो शौक था हाँ. शादी हो गई बाप यही हुआ ना फील्ड तो खतरनाक है बहन आप इतने ज्यादा मशहूर हो जाते हैं लाइबा के पूरे पाकिस्तान और दुनिया में आप देखें जाए तो कोई भी आपको देख सकता है अच्छे लोग भी देखते हैं और बुरे लोग भी देखते हैं बुरी नजरें तो आपको आ, आप चाहे किसी भी फील्ड में वो तो देखते ही देखते ही। तो उसको उससे डर नहीं लगता आपको आप उसके लिए कोई सदके मत के करती हैं हां सदका तो जरूरी होता है वो। खौफ तो आता है ना हाँ। तो कैसे काउंट किया दोनों बहनों ने पहले छोटी वाली ने कर लिया वो तो बहुत ही को बहादुर लग रही है ए? वो वैसे भी बहुत बहादुर है इवन अगर सेट पे लाइक वो हो होती है ना और उसको कोई देख रहा है तो वो नहीं छोड़ती है नहीं देखा? कैसे देखा मुझे आप? उसामा करो पैसे दे दो फिर मैं ऐसी देखता देखते हो हम क्या करते हैं बाहर बैठे बातें करते रहते हैं हम तो रूम में भी नहीं जाते जहां लड़कियां होती हैं

आप तो दोनों में इंडल्ज नहीं करते मैं बिल्कुल दोनों में इंडल्ज शादी वादी का कोई अभी तो कोई इरादा नहीं है और आपकी तो अभी पॉपुलैरिटी शुरू नहीं हो रहा ना मेरा क्या नहीं क्या क्या? आप जैसे लोग तो कभी शादी करना ही नहीं चाहेंगे क्यों आप तो क्योंकि सलमान खान का फिनोमेना आपने सुना है आप देखें चेक करें क्या जरूरत है आपकी बढ़ रही है हर चीज सिवाय आपके खानदान के हर चीज बढ़ रही है नहीं क्योंकि शादी करनी है लेकिन करनी है हर बंदे ने करनी होती। अभी कहीं। कहीं आपके तो आप लिए भी है मैं... आप लोगों <laughs> में से जो उसामा को पसंद करते हैं उनकी ख्वाहिश के बारे में सुने आपसे दरखास्त है इसको आगे करे देखिए ख्वाहिश कोई कोई ख्वाहिश नहीं बस लड़की अच्छी गोल रोटी बनानी आती है बस <laughs> लाइबा के चेहरे पे जो शौक है ना कड़ें ये तो पागल हम्म प्रीमेट इस किस्म की मर्द तो बिल्कुल पसंद नहीं करती आप नहीं, नहीं क्यों मुझे आप खाने की खाना तो मुझे आता है खाना बनाना लड़कियों को खाना, खाना बनाना आता है मुझे लगता है लेकिन मुझे लगता है साजी भाई तुमको सारी फेमिनिस्ट्स वो देख रही हैं और तुम्हारे स्टेटमेंट पे वो कह रही है कि नहीं, क्या नहीं, मतलब क्या नहीं, नहीं, मैं एक बात बताती हूँ इन्होंने जो कहा है ना कि गोल रोटी बनाने वाली हूँ इनकी बात पे अग्री नहीं करी मैं हर लड़की को नहीं, 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 नहीं। ये नहीं कह रही कि सिर्फ गोल रोटी बनाती हूँ काम भी करे घर हाँ, का भी करती हूँ मतलब मैं भी घर का काम करता हूँ बेचारी तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ तुम ये रोटी पकाने के लोगे घर नहीं मैं काम तो पाऊंगा कौन सा काम करूंगा काम है घर में रहना चार दीवारी के अंदर नहीं कोई और काम नहीं है पढ़ाई लिखाई ना करे बाहर अपना करियर ना करे कोई कुछ ना करे मैं बोलू <laughs> सब कुछ करे सुबह मैं नाश्ता बनाऊ रात को खाना बना दे एक दिन वो मैं नाश्ता बना दे एक दिन मैं खाना बना लू हम तो घर में भी ऐसे देखते हैं मेरे अबू सुबह उठने चाय बना लेते हैं अच्छा अगर वो ना बनाए तो नहीं तो कोई बात अगर वो अगर वो नहीं बनाएगी तो कोई बात नहीं और हम कहीं और शादी भी कर सकते हैं और ऑप्शन होगी मैं भी तो खाना बनाता दो मतलब नहीं दूसरी नहीं। शादी की बात नहीं कर रहा पहली शादी के रोटी बनानी आती है खाना बनाना आता नहीं बनाना आता होगा शादी नहीं होगी बात खत्म आप इसकी बात पे लाइबा खान किसम का तबसरा करेंगे इनकी बात पे देखें अगर वो काम करने दे रहे हैं अपनी वाइफ को और पढ़ने दे रहे हैं या कुछ भी तो खाना बनाना में क्या बुराई है

एक घंटे के इस प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक आ गया है वापस आइए मुलाकात करवाएंगे आपकी और द आपकीफुल लाइबा खान वेलकम खानी तो आप देख रहे हैं जिंदगी विद साथ हैं उस्मा, उस्मा खान और लाइबा खान मैं गलत कह गया खान <laughs> तुम तुम मैं खान हूँ तुम भी खान हो कौन से है तुम सारे गोरे गोरे लोग सारे पठाना खा वे टेक ओवर कर गए हो

ठीक है और जो खान है वो एक्चुअली खां है जो, खान। हाँ, वो जो मेरे परदादा थे उनका ये कहते हैं या खिताब अच्छा ये जब इंटरव्यू देने पे आते हैं लोग तब ये ख्याल करते हैं जब तक मुझे इंटरव्यू नहीं मुझे नहीं पता मेरा खानदान क्या करता है अच्छा। आ, हम अपने छोटे छोटे कामों में लगे छोटी छोटी चीजें मैंने कहा जरा पता लेकिन अब आपने मालूम की है बाबा ने बताया बताया बाबा ने की भाई ये है वो ये अच्छा तो इन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है की क्या कब तक एक्टिंग कर सकती है अब्बा ने नहीं दोनों बहनें सिर्फ काम करना चाहती हैं सिर्फ काम हमेशा तो नहीं करूंगी लेकिन जब तक चल रहा है तब तो तक, तक लाइबा को खुद कौन सी एक्टर पसंद है बहुत ज़्यादा जिसको पाकि... देख के लाइबा कहती है व्हाट अ व्हाट एन एक्टर पाकिस्तान में कहीं भी दुनिया में माँ भी शामिल हो सकती है उसमें क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे लगता है बहुत बड़ी एक्टर है ऐसे नाराज़ नाराज़ जैसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता छोटी-छोटी बातों पे बेटिया और इनकी एक्टिंग पूरा -पूरा चुट चुट बात है जान नहीं। मर्द की अलग से होती है एक तो शदीद लड़ने वाली होती है हर बात पे लड़ाई मासूम और या फिर एक माँ जो है ना वो बेचारी सरेंडर कर जाती है

मुझे मैंने, मुझे तो देख के किसी को शौक नहीं अच्छा मैंने बहुत दफ़ा ये बात वैसे ब, 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 बताई है लेकिन इस तरह से कि मेरी अम्मी को शौक है रिसाले पढ़ने का मैगजीन्स मेरी अम्मी बहन ये सब पढ़ते हैं तो उनको वो मुझे अक्सर स्टोरीज वगैरह सुनाती रहती थी कि ये ऐसे ये ऐसे मतलब किसी एक्टर की किसी एक्टर की जावेशी की? की सुना दी कभी कभी बहरोज भाई की सुना दी कभी साजिद हसन की सुना दी इस तरह की एक डिफरेंट स्टोरीज तो आप फैसिनेट होते ये बात कर रही है आप इंस्पायर होते हैं और इससे आप खुद किससे हुए किसको देख के भी देख के आदमी खुद भी तो देखता है माँ ने तो तारीफ मतलब तो लॉर्ड को देखता हूँ मैं फवाद खान को ज्यादा करता हूँ तो ये डिस्कशन तो हमारे घर में हमेशा रही ये दूसरा ये कि जब अभी आपने पूछा कि सपोर्ट कौन करता है घर में तो अभी हम यही बात कर मुझे लगता है कि माएँ बच्चों को सपोर्ट करती है अनकंडी लगता है क्योंकि तुम्हारी माँ करती है नहीं हर माँ करती है

चलो भाई आप लोग इधर एक मुझे बात बार बार कहा जा रहा है पैकेज रेडी है तो आपकी तस्वीरें देखें आपके उधर दिखाएँ भाई लाइव ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है आपकी माशाल्लाह ये आप चला के नहीं चलाक तो नहीं कहेंगे चलाक नहीं कहेंगे उस उसामा को भी देख लेते हैं इस बेचारे की भी तस्वीरें जरूरी हैं हालांकि है। मर्द की तस्वीरें मैं नहीं देखना चाहता किसी के लिए जरूरी <laughs> तो नहीं क्यों छपाते हैं आपस में देखें

अब मैं आपको बताऊं हमने क्यों ऐसी तारीफ है अब खुदा ना खास से ऐसा कोई क्लिप निकल के वायरल हो गया मुबारकबाद दे रहे हैं कि तेरी मंगनी हो गई है वो तो मैं कई दफा दे चुका हूँ नहीं हुई ना नहीं तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप कर रहे नहीं जब तक कोई बहुत ही पैसे वाली आपके पास कितने करोड़ों में आप बिकेंगे ये बता दें यार कि मैंने आपको लिस्ट भेजी है ना वो एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है ये पिकनिक ऐसे मर्द आ गए हैं मार्केट इसके समझे जिनके अंदर ना वफा है यार साजिद भाई शादी करूंगा बे मैं वफा मतलब अभी तक शादी का कोई अभी अभी, तक, अभी नहीं है अभी नहीं है चाहे वो जो तुम्हारा महबूब है वो बुड्ढा हो जाए नहीं वो नहीं बुड्ढा होगा ना

तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है तुमने अपने घर जाना तो चली जाओ मैंने अपने घर जाना है रहना और अपने घर रहो, रहो।, रहो। पैसा अपनी अपनी को लेकर आ जाओ मुझे कोई मसला नहीं है तो उसकी मर्जी है भाई मुझे सिर्फ एक मुझे टेंशन होती है अपने काम की मुझे साथ वाला बंदा जो भी कर रहा हो बस कोऑर्डिनेशन भी करियर आपकी तरह हो वो ही वो भी यही बातें आपने जो कही है आप कैसे कहे कह रही होगी आपको एक्सेप्ट करेंगे आप हाँ पाँच लाख फॉलोअर्स ज्यादा है

इन का ऑप्शन होता है उसमें पता नहीं कितने परसेंट मर्द होते हैं और औरतें कम होती हैं तो आप दिन में कितनी दफा पोस्ट करती हैं एक दफा एक दफा हाँ। क्या बस एक तस्वीर पिक्चर रोज नहीं करती दो तो आप वो नहीं करवा वो नहीं करनी इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक ये वो फेसबुक में हफ्ते में एक पिक्चर पोस्ट कर दी बस आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड वगैरह रहती हैं बिल्कुल नहीं क्या हो गया कैसी आप दिया दिया मैंने बुरी बात अभी तक मैंने डाला नहीं वोट इतनी उम्र ही नहीं हुई है। अभी मेरी बेटी हाँ जी। अभी इस, अब इस, है। बार डाल इस बार डालनी है किसको अच्छा मैं नहीं पूछू क्यों पॉलिटिक्स से क्यों मुझे नहीं झमेली में मुझे ना समझना ना पढ़ना है कुछ इस बारे में आप बहुत पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज्यादा आगे तो मैंने सोचा मैं इलेक्शन लड़ूंगा लड़ना चाहिए तुम्हें अभी दान से कहता है पॉलिटिक्स से दूर रहे अदाकर नहीं मुझे लगता है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ तो करेंगे ना कंट्रीब्यूट आपने आपने क्या करना है आपने, के मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है है तो तो आपने कुछ तो कंट्रीब्यूट करना तो आप, आप, exactly. कर कर आप आप पॉलिटिक्स के थ्रू क्यों करेंगे सोशल वर्क के थ्रू कर लें आप पॉलिटिक्स आप. के थ्रू कर लें वन वे और आगे जाके डायरेक्शन भी करनी बताया मुझे एक्चुअली डायरेक्टर ही बनना था अच्छा फील्ड में आने से पहले तो मैं अपनी बहन के साथ इसलिए सेट पे जाती थी ताकि मुझे पता चले क्या होता है कैसे होता है तो फिर वो एक्टिंग शुरू कर दी लेकिन डायरेक्शन करूंगी इनशाला जरूर इसका मतलब शादी वादी का तो मुझे कोई दूर दूर दस पंद्रह साल तक ना आपका ना उसम सकता तो है उसकी जिंदगी रुक जाएगी आप तलाकों के रेट है हाँ, शादी शादी वो बहुत ज्यादा है बर्दाश्त किस बर्दाश्त कम हो गई है अब ये मसले है नाफ आता है इसलिए ये आता है बहुत खौफ आता है और वही बात होती है कि पब्लिक फिगर बनने के बाद तो बदनामी होती है, लो, बात है ना लोग खाम करेंगे उल्टी सीधी ये वो फिर वो जो आदमी है जिसके साथ भी है और दूसरा ये कि आपकी अगर किसी से शादी हुई हुई या मेरिड हैं या फिर आप इंगेज हैं और अगर आपका किसी के साथ ड्रामा चल रहा है और लोग उसके साथ ज़्यादा आपको एसोसिएट कर रहे हैं तो फिर एक ऑबियस बात है जेलिस एक फैक्टर है बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं पाकिस्तान के माशी हालात सियासी हालात और की आप देख रहे हैं बड़ी जयत किस्म की बहस कहीं मत जाइएगा देखते रहिए गाइड का आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिश मेरे साथ हैं सामा खान और लाइबा खान द वेरी प्रिटी लाइबा खान लाइबा खान प्रिटी होना बड़ा ज़रूरी है आपको पता है फिल्मों में और टेलीविजन में लेकिन साथ साथ फिर टैलेंट भी होना चाहिए तो आपको किस किस्म का टैलेंट किस किस्म के किरदार आप समझती हैं कि आप निभा बहुत अच्छे सकती हैं नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है तो किस अदाकारों को देख के आप बहुत ज्यादा इंस्पायर आप पीछे तक किस अदाकारा को देख के बहुत स... इंस्पायर होती हैं सबा कमर साजिल और सोनिया अभी कितना चेंज आया है आपके ख्याल से इंडस्ट्री में ये जो नई अब आ गया ये आपका अपना चैनल है नहीं लाइबा। व्लॉगिंग नहीं होती मुझसे। नहीं व्लॉगिंग होती है बहुत उसे पॉलिटिक्स तो तुमने करनी नहीं है। मेकअप पे आप कर सकती हैं, आप क्लोथ्स पे कर सकती हैं, आप लेकिन क्या जरूरत है करने की? अब मैं कोई ब्लॉगर रेवेन्यू स्ट्रीम है अपनी। नहीं देखिए आपका अपना चैनल होगा दस साल में उसके 5 करोड़ देखने वाले होंगे। ठीक है, वो एक अलग बात है बट देखिए अगर मुझे लगता है कि कोई आम लड़की है ठीक है और वो अगर वो YouTube चैनल खोल रही है अपना वो ब्लॉगर बन रही है तो जरूरी नहीं कि एक्टर्स हर जगह घुस जाएं या ब्लॉगर्स या दूसरे इधर उधर के टिक टॉकर सब एक जगह पे घुस जाएं ज़रूरी नहीं है सबको अपना अपना स्पेस देना चाहिए मॉडलिंग से भी कुछ मॉडलिंग ब्रांड शूट्स करती हूँ करती अच्छा पहला प्रोजेक्ट तो... किया पहला ड्रामा किया उसके बाद कुछ ब्रेक ले लिया था एक्टिंग से कुछ मॉडलिंग की लाइक सिर्फ स्टिल्स स्टिल शूट्स फिर उसके बाद समझ में नहीं आया बिकॉज मॉडलिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती आप पूछे आवाम से आवाम किसी मॉडल को जानती है कोई दो तीन मॉडल्स को जानते होंगे बस कोई दो दो बॉयज़ हो गर्ल्स को बाकी जो पीछे इतने बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं यार हम जानते हैं ना फील्ड के लोग जानते बाहर के लोग नहीं जानते नहीं जानते। एक uh, किसी गाँव में अगर आप जाके पूछें ना किसी एक्टर का नाम तो वो जानते होंगे वही आप किसी मॉडल का नाम पूछें तो कोई नहीं जानता हर फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है फैशन मतलब हर फील्ड को अपने हिसाब से ग्रो करना चाहिए पहले सब कुछ मैं अगर लाहौर से हूँ तो पहले गुजरा वाले से हूँ पहले सब कुछ लाहौर में होता था आहिस्ता कराची में शिफ्ट हो गया अब तो फैशन भी कराची में शिफ्ट हो गुजरा वाला का क्या बनेगा तुम <laughs> <laughs> तुम आए थे को ख्वाब दिखाने जैसे लोग बिक गए कराची <laughs> उए, सामे। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ में मुझे लगता है ज्यादा लोग काम करने वाले हैं ये बात तो है वहाँ अगर पंजाब में जाए ना सुबह सुबह मैं शूट पे गया तो नौ बजे पहुँचा तो उन्होंने कहा भाई पहले खुलेगी रोटी फिर रात को को खुले, दोपहर खुलेगी रोटी हम यहाँ करते हैं काम करोगे करो, करो, करो नहीं, 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 है। तो बाकी इलाकों में बड़ा फर्क है तो मुझे लगा मैं मुझे नहीं सकूंगा यहाँ पे लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा नहीं यार गुजरा वाला ट्रांसफर हो जाए मैं मुझे बोले ना न्यूयॉर्क भी ट्रांसफर होना है तो मैं नहीं

और यंग बच्चियां और माशाल्लाह वहां जाके तो का दिल बदल गया फिर क्या कि ले हाँ। ले तो नहीं नहीं गोरी औरत से उसके पासपोर्ट के लिए शादी लो <laughs> कौन सा पासपोर्ट हजरात आप जहां भी हैं उसामा के लिए लड़की तलाश करें इसके बारे सारी बातें निकाल देंगे

नहीं नहीं यार कोई रिश्ता आ रहा पे मैं क्या करूं रहा। मेरी जान पूरा गुजरा वाला में <laughs> तो <laughs> तुम्हें तुम्हें लाहौर में नहीं मिला, मिला सियालकोट में कोई नहीं तुम पूरे पाकिस्तान घूमे हुए अकाउंटेंट हो तुम तुम्हारा अपना स्कूल है माशाल्लाह तुम पैसे तो कमाने आए नहीं हो

और द वेरी हैंडसम उसामा खान के साथ दोनों गैर शादीशुदा हैं और बहुत लंबे लंबे चौड़े अजायम हैं इनके लेकिन लाइबा से पूछा लाइबा कितने आपके एक्चुअली फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे 900 के

बड़े-बड़े काम नहीं नहीं सब करते नहीं, नहीं। हैं, करते हैं? मिकाल ने कितने किए है, एक टाइम था मिकाल हजार पाँच छे में ब्रांड के नाम ले लूंगा जहाँ जहाँ वो नहीं होता था। तुझे ले ले थे मिलती है अब अब ये है की अब मैं कर रहा हूँ तुम्हारा जो टैलेंट बेस पे है उसमें दादा वाला रूप नहीं क्योंकि वो तो डायरेक्ट कहीं और से कॉल आई थी

कोई आपको कुछ नहीं कहेगा ठीक है रुबीना अशरफ बहुत अच्छी हैं अभी काम किया ना हाँ, ने? मैंने साथ... दो प्रोजेक्ट्स किए मैंने साथ में बहुत अच्छी हैं वो एक खान ब्यूटीफुल सानिया सईद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं अतीका ओढो सपोर्टिव uh, ज्यादा प्यार कैसे करती हूं अम्मी से अम्मी बस। अम्मी 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 प्यार तो अम्मा अब्बा से दोनों से करती बट वो एक होता है ना अम्मा अब्बाजान मुझे बड़ा अफसोस जी आप भी बताइए आपसे आपसे तो इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं मरियम नवाज शरीफ क्राउड पुलर बिलावल है बिलावल भुट्ट जरदारी ठीक है चौधरी फवाद अच्छी अच्छा पॉलिटिशियन है इमरान खान अच्छा लीडर है आसिफ अली जरदारी गेम चेंजर है आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या करेंगे क्या करूँगा uh, मैं, मैं, मुझे लगा है कि इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में तो नहीं हम बात कर रहे थे कि अगर हम उसमें भी आ जाएं तो क्या करेंगे नहीं आप पॉलिटिक्स में अगर आएंगे जो लग रहा है आप आएंगे तो आप आके क्या करना चाहेंगे अभी से तो बताएं पहली बात है कि पाकिस्तान में कोई भी आज आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं आऊँगा तो छोटे छोटे डोमेस्टिक इशूज है वो मुझे लगता है एड्रेस करने चाहिए पानी का इशू है दरख्तों का इशू है सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो हम नोटिस नहीं करते वो जानवरों का इशू है आपको पता है कि अभी भी कराची में अवेयरनेस आ गई होगी लाहौर में अवेयरनेस आ गई होगी ये जो कुत्ते सड़क पे जो होते हैं ये लोग मार देते हैं मुझे और उसको समझते हैं कि यार मारना चाहिए उनको जी मुझे लगता है कि गलत है टीपू शरीफ है, है? मुझे लगता है कि भी गलत भी है गलत गलत है ना वहाँ पे नहीं लगता वो अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे मैं किसी से बात करूँ कहते यार ये कुत्ते मार दिए आ रहे थे बच्चों को छेड़ रहे थे मुझे लगता है कि ये वो, वो वाले छोटे छोटे इशूज़ है जो कि हर बंदे को अपने एरिया में हर बंदा अपने एरिया में स्टैंड ले, ले पैगाम देंगे आप पाकिस्तान के आवाम को लीडर की हैसियत से जी खौती नजरात ये थे ये हैं हमारे उसामा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर इनके तसुर आखिर में मालूम करना चाहेंगे जी तो लगता है कि सबको सब्र और तहमुल से वही जो उन्होंने बात की है लेकिन बर्दाश्त ये होनी चाहिए कि आप सुन लें अगले की बात अगले का मैसेज भी सुन लें सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है कि आप हमेशा सच कह रहे हो आप सीखते हैं अब विद टाइम मुझे बहुत सी चीज़ें से दस साल पहले गलत लगती थी आज मुझे लगता है कि नॉर्मल है तो इतना ज़्यादा आपको हाइपर हर चीज़ पर नहीं होना चाहिए आपको बर्दाश्त अपने अंदर रखनी चाहिए दुनिया में तरक्की अगर आपने करनी है तो सिर्फ उसे बर्दाश्त से हो पाएगी डायलॉग से हो पाएगी और कोई भी चीज़ सही या गलत उस वक्त होती है जिसको उस वक्त होती है जब आप चाहते हैं किसी को ख़राब करना तो वो ख़राब है अगर आप समझते हैं अच्छी है तो वो अच्छी है तो कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी खराब मैं सॉरी मैं दोबारा प्लीज़ दोबारा दोबारा मैं दुबई गया तो काफ़ी पहले की बात है तो हमें आदत नहीं है कभी भी क्यों में खड़े होने की बंदा पीछे जाता है यार एक पेपर है मेरा यार ये फोटो कापी करा दे बा तो बाद में करा लें हमें ये वाली आदत है वहाँ में मैं जब गया तो मैंने ये पहली दफ़ा देखा मैं बचपन से नहीं घूमता दो हज़ार चौदह की बात है कि सारे क्यू में खड़े हुए और एक पेपर है किसी के पास ये पूरा रजिस्टर है सारे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं मैं हैरान कि यार किस तरह वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में दूसरा आप आ, मैं डेलिस से जा रहा था ह्यूस्टन और फ्लाइट थी और रोड बंद थी सामने कोई आगे मसला हो गया था और सिंगल रोड थी यहाँ से जाने वाला और आने वाला रास्ता एक ही था कोई एक बंदे की हिम्मत नहीं थी कि वो इस साइड पे आ जाए क्यों क्योंकि वहाँ पे है लोगों में समझ ऐसे वाए सिर्फ पुलिस ने काम नहीं करना आपकी भी अपनी कुछ रिस्पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में क्या सड़क आमने सामने बंद हो जाती सारे खड़े होते हैं ये बात सच है ये, ये देखिए दोनों हमारी नई नस्ल के लोग आप में इन इनमें देखें कि ना से बर्दाश्त है ये ग्लोबल सिटीजन हैं दोनों के दोनों और यही हमें पढ़ना पड़ेगा पाकिस्तान दुनिया से कट के नहीं रह सकता जो दुनिया में तरक्की हुई उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए हम उस तरक्की को पूरा इस्तेमाल करें ये हमारा हक़ है इसलिए आपने इन दोनों की बहुत रोशन बातें सुनी इसमें अगर कोई गलती हो गई मुझसे गलतियाँ सारी मेरी हैं इन दोनों की। जी देखते रहिए जिंदगी में साजिद टिल नेक्स्ट वीक खुदा